चीज का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है, एक गांठ बांध ले। हम इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे फ्रेंड्स कि हर चीज का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। जी हाँ, एक बार एक राजा की सेवा से प्रसन्न होकर एक साधु ने उसे एक तवीज दिया और कहा कि राजन इसे अपने गले में डाल लो और जिंदगी में कभी ऐसी परिस्थिति आए कि जब तुम्हें लगे कि बस अब तो सब खत्म होने वाला है, परेशानी के भंवर में अपने को फंसा पाओ, कोई प्रकाश की किरण नजर ना आ रही हो, हर तरफ निराशा और हताश हो, तब तुम इस तवीज को खोलकर इसमें रखे कागज को पढ़ना, उससे पहले नहीं पढ़ना। राजा ने वह तवीज अपने गले में पहन लिया। एक बार राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने घने जंगल में गया। एक शेर का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से अलग हो गया और दुश्मन राजा की सीमा में प्रवेश कर गया। घना जंगल और सांझ का समय, तभी कुछ दुश्मन सैनिकों के घोड़ों की टापों की आवाज़ राजा को आई और उसने भी अपने घोड़ों को ऐड लगाई। राजा आगे आगे, दुश्मन सैनिक पीछे पीछे, बहुत दूर तक भागने पर भी राजा उन सैनिकों से पीछा नहीं छोड़ा पाया। भूख प्यास से बेहाल राजा को तभी घने पेड़ों के बीच में एक गुफा सी दिखी। उसने तुरंत स्वयं और घोड़े को उस गुफा की आड़ में छुपा लिया और सांस रोक कर बैठ गया। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज़ धीरे धीरे पास आने लगी। दुश्मनों से घिरे हुए अकेले राजा को अपना अंत नजर आने लगा। उसे लगा कि बस कुछ ही क्षणों में दुश्मन उसे पकड़कर मौत के घाट उतार देंगे। वो जिंदगी से निराश होकर हो गया था कि उसका हाथ अपने तबीज पर गया और उसे साधु की बात याद आ गई। उसने तुरंत तबीज को खोलकर कागज को बाहर निकाला और पढ़ा। उस पर्ची पर लिखा था, यह भी कट जाएगा। जी हाँ, यह भी कट जाएगा। उस कागज पर लिखा था कि यह भी कट जाएगा। राजा को अचानक ही जैसे घोर अंधकार में एक ज्योति की किरण दिखी। डूबते को जैसे कोई तिनके का सहारा मिल गया। उसे अचानक अपनी आत्मा में एक अथन्य शक्ति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि सचमुच यह भयावह समय भी कट ही जाएगा। फिर मैं क्यों चिंतित हूँ, अपने प्रभु और अपने पर इस विश्वास रख। उसने स्वयं से कहा कि हाँ, यह भी कट जाएगा। और हुआ भी यही। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज़ पास आते आते दूर जाने लगी। कुछ समय बाद वहाँ शांति छा गई। राजा रात में गुफा से निकला और किसी तरह अपने राज्य में वापस आ गया। दोस्तों, यह सिर्फ किसी राजा की कहानी नहीं है, यह हम सब की कहानी है। हम सभी परिस्थितियाँ, काम, तनाव, दबाव में इतने जकड़ जाते हैं कि हमें कुछ सूझता नहीं। हमारा डर हम पर हावी होने लगता है। कोई रास्ता, समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आता है। लगने लगता है कि बस अब सब खत्म होने वाला है। जब ऐसा हो तो 2 मिनट शांति से बैठिए, थोड़ी गहरी गहरी सांसें लीजिए, अपने आराध्य को याद कीजिए और स्वयं से जोर से कहिए, यह भी कट जाएगा। आप देखिएगा, एकदम से जादू सा महसूस होगा और आप उस परिस्थिति से उबरने की शक्ति अपने अंदर महसूस करेंगे। आजमाया हुआ है, बहुत कारगर है। आशा है जैसे यह सूत्र लाखों जीवन से प्रेरणा दे चुका है, आपके जीवन में भी प्रेरणादायक सिद्ध होगा। दोस्तों, ये भी कट जाएगा। आपको कैसा लगा यह कोटेशन, यह वीडियो? प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। और हाँ, इसी तरह का मोटिवेशनल स्टोरी आप पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो ये हम बड़ी सोच की बड़ी जादू जो बुक है उससे लिए हैं। तो अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को परचेज कर लेंगे। इस वीडियो के नीचे कमेंट दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन में कमेंट दिया हुआ, वहाँ जाकर परचेज क्लिक करके परचेज कर लें। बहुत ही चीप वेस्ट में मिल रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑन चैनल कार्डक्लूज.com।